आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तारीखें जैसे जैसे अब नजदीक आती दिखाई दे रही है, वैसे वैसे सभी राजनीतिक दलों में जो तैयारियां हैं वो भी जोरों पर दिखाई दे रही है। हर एक पार्टी जो है वो जनता को रिझाने की कोशिश कर रही है। आशीर्वाद यात्राओं का दौर जारी है, रैलियां आयोजित की जा रही है, तमाम विकास के दावे और वादे किए जा रहे हैं। वही हर एक पार्टी अपना मैनिफेस्टो भी तैयार करने में जुट चुकी है। वैसे जहां एक तरफ जनता को रिझाने के लिए पार्टियों ने अपनी रणनीति को तय कर लिया है, वहीं अब दूसरी तरफ कहीं ना कहीं पार्टियों के अंदर भी एक जो रणनीति है वो तय की जा रही है, और वो रणनीति है आगामी चुनाव में जो टिकट है उनका बंटवारा। हर एक पार्टी में टिकट बंटवारे को लेकर भी इस वक्त जो है ना वो रणनीति तैयार की गई है, रोडमैप तैयार किया जा रहा है। वहीं तमाम ऐसे समाजसेवी हैं, जो तमाम ऐसे प्रत्याशी हैं जो आगामी चुनाव में विधायक के तौर पर अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। वहीं ऐसे ही एक समाजसेवी जो इस वक्त समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं, बलिया के 361 विधानसभा से विकेश सिंह सोनू अपनी दावेदारी समाजवादी पार्टी में विधायक के तौर पर पेश कर रहे हैं, जिनसे आज हम खास बातचीत करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले विकेश सिंह सोनू जी, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। जी, सभी दर्शकों को प्रणाम और आपके चैनल को भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें मौका दिया। जी तो विकेश जी, सबसे पहला सवाल आपसे, जिस तरह से आप आगामी चुनाव में विधायक पद की दावेदारी पेश कर रहे हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से, राजनीतिक करियर के बारे में आपसे सवाल पहला करना चाहूंगी। किस प्रकार से राजनीति में आना हुआ, कैसे राजनीति की तरफ आपका रुझान देखने को मिला? जी, मैं सन 2001 में नेहरू का केंद्र सामाजिक संगठन है और युवा केंद्र के माध्यम से हमने अपनी राजनीतिक पारी शुरू की जी। और उस समय सन 2001 में हमने बलिया जनपद में एक युवा महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया। 3 दिनीय युवा महोत्सव कार्यक्रम था और उसमें नौजवानों को आगे लाने के लिए हमने अनेकों कार्यक्रम किए। उसमें प्रमुख रूप से खेलकूद प्रतियोगिता कराया, सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता कराया, सांस्कृतिक कार्यक्रम कराया और वो जनपद में ऐतिहासिक कार्यक्रम था। उस समय मैं बहुत कम उम्र का था, लेकिन मेरी जो भावनाएं थी नौजवानों को आगे बढ़ाने के लिए, उसको कदम कदम बढ़ाते गया। जी विकेश जी, जिस तरह से अगर हम आपके राजनीतिक करियर की बात करें तो आप कुंवर सिंह महाविद्यालय से छात्र संघ के अध्यक्ष भी रहे हैं, ऐसे में छात्र संघ के अध्यक्ष के तौर पर आपका किस तरीके का अनुभव रहा, क्या कुछ चुनौतियां थी जो उस वक्त आपने फेस की? जी, जब मैं कुंवर सिंह महाविद्यालय में सन 2002 में प्रवेश किया जी, तो छात्रों के हित की लड़ाई सर्वप्रथम मैंने लड़ना चालू किया। छात्रों को पुस्तकें कॉलेज प्रशासन उपलब्ध कराता है कि नहीं, कॉलेज प्रशासन छात्रवृत्ति समय से मिलता है कि नहीं, छात्रों के लिए साइकिल खड़ा करने के लिए स्टैंड है कि नहीं जी। छात्रों की तमाम समस्याओं के लेकर हमने लड़ा, आंदोलन किया और छात्र संघ का चुनाव भी जीता जी। उसके बाद छात्रों को चुनाव जीतने के बाद छात्रों को क्या सुविधा मैं दे सकता हूँ, छात्रों के लिए कोशिश किया कि छात्र हमारे कंप्यूटर कोर्स करें, कॉलेज में लग जाए। हमारे कॉलेज महाविद्यालय में उस समय राजनीति शास्त्र था, मध्य इतिहास था ग्रेजुएशन में, उसके बाद वहां भूगोल भी था, अंग्रेजी नहीं था। हमने मांग किया कॉलेज प्रशासन से कि यहाँ पे इंग्लिश भी हो जी। और तमाम छात्रों के लिए जो भी संभव प्रयास हो सके वो मैंने करने का काम किया। साथ ही जब बहन मायावती जी की सरकार ने छात्र संघ का चुनाव रोक दिया जी, तो हमने तमाम आंदोलन के साथ छात्र संघ मोर्चा के बैनर तले बलिया सिकंदरपुर से लखनऊ तक सैकड़ों लोगों की संख्या में, छात्रों की संख्या में हमने पद यात्रा किया छात्र संघ बहाल कराने के लिए। और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने हम लोगों को समर्थन दिया और उसी समय से हम लोग अखिलेश यादव जी के साथ जुड़ गए जी। कि कोई भी नेता अगर छात्र संघ को बढ़ावा दे रहा है, छात्र संघ की गरिमा को बढ़ा रहा है, तो उसके साथ हमें लगना चाहिए जी। और उस समय से हम लोग समाजवादी पार्टी से और अखिलेश जी के नेतृत्व से जुड़ गए
जी विकेश जी, नेहरू युवा केंद्र के भी आप अध्यक्ष रहे हैं, आप छात्र संघ के भी अध्यक्ष रहे हैं, किस प्रकार से देखते हैं? जब आप एक छात्र नेता थे, आप जब छात्र संघ के अध्यक्ष थे, उस वक्त की राजनीति और आज की जो युवा छात्र संघ के जो अध्यक्ष है, उनके सामने क्या कुछ राजनीतिक समीकरण है जो अब अलग होते दिखाई दे रहे हैं? जी, शुरू से हम लोगों का लगाव छात्रों से के साथ रहा है, गुरुजन विद्यालयों के साथ भी रहा है जी, और हम लोग मिलकर एकजुट होकर एक दूसरे के प्रति द्वेष की भावना नहीं रखते हैं। अगर कोई छात्र नेता आगे बढ़ता है और कोई भी छात्र नेता हम लोग चाहते हैं कि आगे बढ़े जी, और हमारी ऐसी मानसिकता रहती है कि हम लोग सब लोग मिल के रहें और मिल के काम करें। कहीं भी छात्रों के प्रति कोई भी मतलब की सरकार रोक लगाती है, जैसे कि अभी आपने सुना होगा, आपके टीवी चैनलों पे भी आया था कुछ दिन पहले की बात है, 20 तारीख की कि भाजपा सरकार ने छात्र संघ के नामांकन पे रोक लगा दिया और छात्र संघ के चुनाव पे रोक लगा दिया जी। बलिया के छात्र एकजुट होकर, आपने देखा होगा कि भाजपा सरकार का विरोध करने का काम किए जी। विकेश जी, जिस तरह से छात्र संघ चुनाव की हम बात कर लेते हैं, इस वक्त चुनावों पर रोक लगा दी गई है, किस प्रकार से देखते हैं आप? क्या ये एक सही कदम है सरकार की तरफ से, या फिर इससे कहीं ना कहीं जो छात्र संघ है उनकी जो हिस्सेदारी है या फिर जो उनके अधिकार है उन्हें छीनने का काम सरकार कर रही है? बिल्कुल, अधिकार छीनने का काम किया जा रहा है। छात्र संघ एक राजनीति की नर्सरी है जी, और छात्र राजनीति से ही हमारे पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी निकले हैं जी। चंद्रशेखर जी, हम लोग भी छात्र राजनीति से ही निकलते उभरते हुए चेहरा हैं, तो बिल्कुल कहीं ना कहीं से छात्रों को ये दबाने की कोशिश हो रही है। जब कॉलेज प्रशासन मनमानी फीस बढ़ा देता है, कॉलेजों में मनमानी अपना हुकूमत चलाना चाहता है, तो हम ही छात्र नौजवान उसको लड़के और उसके तिलिस्म को तोड़ने का काम करते हैं जी। कॉलेज की राजनीति की बात हो गई, विकेश जी जिस तरह से आपने बताया कि आप कॉलेज में भी अपने जो मुद्दे होते थे उन्हें प्रशासन के खिलाफ वो आप सख्ती से उठाते थे, कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छा प्रयास था। लेकिन आगे की अगर हम बात करें, समाजवादी पार्टी से आपका जुड़ाव किस प्रकार से हुआ और समाजवादी पार्टी ही क्यों, बाकी के दल क्यों नहीं? जी, बताया आपसे कि जब मैं छात्र संघ का नेता था जी, और छात्र संघ पे जब बहन मायावती जी ने और भाजपा सरकार ने एक बार रोक लगा दिया था, उस समय हम लोगों ने छात्र संघ बहाल कराने के लिए बलिया से लखनऊ पदयात्रा किया था, और उस पदयात्रा में अखिलेश यादव जी का पूरा समर्थन, अखिलेश जी राजभवन चौराहे पे आके हम लोगों को समर्थन दिए, लाठिया भी चली उसमें, लाठिया भी हम लोगों ने खाया था। तब से हम लोग का लगा कि कोई नेता नौजवान हम लोग के लिए लड़ रहा है तो वो अखिलेश यादव जी लड़ रहे हैं। उसी समय से हम लोगों ने अखिलेश जी के साथ रहने का और जुड़ने का सोच लिया जी। और साथ ही बलिया की राजनीति में हमने छात्र आंदोलन के लिए, छात्र हितों के लिए सैकड़ों आंदोलन किए हैं जो कि जीता जाता, यहाँ का प्रेस मीडिया सब जानता है जी, जी जी। और आगे भी छात्रों की बात आएगी तो निश्चित तौर पे मैं लड़ने का काम करूंगा, और छात्र नौजवानों से वादा भी मेरा है कि अगर छात्र संघ अखिलेश यादव जी की सरकार आएगी तो सबसे पहले माननीय अखिलेश यादव जी से वार्ता करके छात्र संघ बहाल कराने का काम करूंगा जी। विकेश जी, छात्रों की बात तो हो गई, लेकिन आपकी जो विधानसभा क्षेत्र है जहां से आप दावेदारी पेश कर रहे हैं 361, उसमें और जो जनता है उनकी क्या कुछ मूलभूत इस वक्त समस्याएं हैं जो आप देख पा रहे हैं, जो वर्तमान विधायक है उनके द्वारा पूरी नहीं की गई है? जी, बलिया नगर विधानसभा और बलिया के सातों विधानसभा में जी देखिए, विकास का एक काम भाजपा नहीं कर पाई है, और यहाँ के नेता अपना विकास करना जानते हैं, जनता का विकास नहीं करना चाहते। यहाँ पे हमारे नगर विधानसभा में ही देख लीजिए, पूरे बलिए में जल जमाव की समस्या है चारों तरफ। अभी हम लोग लगभग छह महीना जलों में पैर रख के जाना पड़ता था और आना पड़ता था, और बलिया पूरा जलमग्न हो गया था, रोड तक डूब गए थे, सरकारी दफ्तर डूब गए थे, डीएम कार्यालय डूब गया था, कप्तान ऑफिस डूब गया था, जेल जो अपना है वो डूब गया था, यहाँ के कैदी दूसरे जनपदों में शिफ्ट किए गए हैं, तो यहाँ पे विकास का कार्य क्या है जी, आप सोच सकती हैं और देख सकती हैं। तमाम चीजें, हॉस्पिटल है, हॉस्पिटलों में यहाँ के विधायक और मंत्री दलाली का काम कर रहे हैं,
मूल आप ये उठा के देख सकती हैं कि आम जन को दवा तक नहीं मिल पा रहा है। एक यहाँ पे ऐसी सुविधा नहीं है बलिया में जो कि एक्सरे कराया जा सके, किसी को जो भी अगर एक्सीडेंट कोई अभी आ गया, हमारे घर परिवार का लोग आ गए तो तुरंत यहाँ के डॉक्टर लखनऊ बनारस भेजने का काम करते हैं, रेफर करने का काम करते हैं। तो बताइए अब इससे दुर्भाग्य बलिया का क्या हो सकता है। बलिया क्रांतिकारी जिला रहा है, यहाँ बागी लोग रहे हैं, सबसे पहले स्वतंत्रता के सेनानी बलिया के ही है, मंगल पांडे जी, चित्तू पांडे जी, और बलिया का ये हाल है। तो बलिया हमेशा और बलिया हमेशा क्रांतिकारी रहा है और यहाँ के नेता और भाजपा के नेता कुछ काम नहीं कर पा रहे, चाहे पूर्व हो चाहे वर्तमान हो। मेरा मानना है कि एक बार मुझे भी मौका मिलेगा तो मैं बलिया के लिए कुछ अच्छा करने की कोशिश करूंगा। जी विकेश जी, जिस तरह से भी आपने कहा कि अगर समाजवादी पार्टी आपको मौका देती है तो आप बलिया के विकास के लिए आगे इसी प्रकार से कार्य करेंगे। आपके लिए एक आपकी छवि है जो समाज सेवी के रूप में भी आपके क्षेत्र में देखने को मिलती है। ऐसे में अगला सवाल, कोरोना काल जिस तरह से रहा बलिया की जनता के, आपने देखा किस प्रकार से कोरोना काल में हाल हुआ था, ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी थी, वहां अस्पतालों की कमी थी, वहां की जनता बेहद परेशान थी। ऐसे में समाज सेवी के तौर पर आपकी क्या कुछ वहां पर भूमिका रही, किस प्रकार से आपने जनता की मदद की? समाज में सेवी के तौर पर तो अलग बात है, लेकिन बलिया का बेटे होने के नाते जी, हमने बलिया में घर घर घूम के जिसकी जो जरूरत है, राशन की जरूरत है, राशन की जो अपने सामर्थ्य था उसको देने का काम किया। और कोरोना में, कोरोना काल में हमने कुछ बलिया के वर्तमान नेता, पूर्व नेता यह कह रहे थे कि ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए सरकार जमीन नहीं दे रही है जी, ये एक राजनीतिक मुद्दा बना रहे थे लोग कि सरकार ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए जमीन नहीं दे रही है, कि एक मुद्दा हो जाए कि ऑक्सीजन प्लांट लगाना भी ना पड़े बलिया में और हमारा काम भी राजनीति भी चमक जाए। लेकिन इस दौर में मैंने कहा हमारी जमीन तिखमपुर में, यहाँ तिखमपुर ग्राम सभा है, वहां हमारी करोड़ों की एक जमीन है। हमने उनसे आग्रह किया, पूर्व हो वर्तमान मंत्री हो, सबसे मैंने आग्रह किया कि आप आइए और हमारे जमीन पे आप ऑक्सीजन प्लांट लगाइए, मैं इसे देने का काम करूंगा। जी विकेश जी, एक और सवाल, जिस तरह से अभी आपने कहा कि बलिया के आप समाज सेवी के साथ साथ आप बलिया के बेटे हैं, मान लीजिए ऐसी परिस्थिति ना उत्पन्न हो, समाजवादी पार्टी आपको टिकट ना दे, तो क्या लगता है समाजवादी पार्टी से दूसरी पार्टी की तरफ आप रुख करेंगे या आजीवन समाजवादी पार्टी का सदस्य बने रहेंगे? देखिए अब हमारा तो जुड़ाव मरना जीना अब समाजवादी पार्टी के साथ ही हो गया है। अब अखिलेश यादव जी हमें मौका देते हैं तब भी ठीक है, अब मौका नहीं देते हैं तब भी ठीक है। अखिलेश जी के साथ हम लोग कदम से कदम मिला के चलने का काम करेंगे। हाँ, अखिलेश यादव जी से इतना जरूर हम लोग अपेक्षा रखते हैं कि हम लोग नौजवान हैं, अच्छा काम करना जानते हैं। अगर एक बार अखिलेश यादव जी ने हमें मौका दिया तो निश्चित ये सीट उनके झोली में जाएगी और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि बलिया के विकास में कोई कसर मैं नहीं छोड़ूंगा। जी हम तो उम्मीद करते हैं विकेश जी समाजवादी पार्टी आपको टिकट जरूर दे और आप भारी मतों से विजयी रहे। वहीं दूसरा सवाल, जिस तरह से अभी आपने बात करी जनता की समस्याओं की, आपने बात की, अगर आपको बलिया की जो जनता है वो मौका देती है विधायक के तौर पर, तो क्या ऐसी आपकी प्राथमिकताएं हैं जिन पर आप सबसे पहले कार्य करेंगे, आपकी प्राथमिकताएं क्या होने वाली है? जी मैं, मेरी पहली प्राथमिकता यही है और इसको मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट कह लीजिए या कुछ और भी कह सकती हैं जी। मैं चाहूंगा कि अपने बलिया नगर विधानसभा में लगभग 150 गांव हैं, मैं प्रत्येक गांव में एक एक एम्बुलेंस की सुविधा उपलब्ध कराऊं कि कोई भी मरीज हो, चाहे हमारी महिलाएं हो जी, गर्भवती होने के समय हॉस्पिटल जाने की उनकी व्यवस्था हो, हर एक गांव में कोशिश करूंगा कि एक एम्बुलेंस देने का काम करो। साथ ही अपने विधानसभा में शिक्षा की व्यवस्था निःशुल्क कराने का प्रयास करूंगा। साथ ही एक और, जब तक मैं विधायक रहूंगा और मैं सार्थवान रहा और मेरी क्षमता रही तो मैं लगभग अपने बलिया विधानसभा में कोशिश करूंगा कोई बिना खाए ना मरे, कम से कम पर डे 1000 लोगों का भोजन की व्यवस्था पर डे करने का काम करूंगा।
विकेश जी, जिस तरह से आपका रुझान शिक्षा के क्षेत्र में कहीं ना कहीं ज्यादा देखने को मिलता है, जहां पर आपने बोला है कि छात्रों के विकास के लिए और उनके उद्धार के लिए भी आप कार्य करेंगे, छात्रों की क्या कुछ बलिया में इस वक्त मूलभूत आपको जो आवश्यकताएं वो दिखाई देती है जो सरकार के तरफ से पूरी नहीं की जा रही है? जी, छात्रों के लिए यहाँ पे एक मेडिकल कॉलेज का जरूरी है, जिसको हम लोग अखिलेश यादव जी से आग्रह करेंगे, निवेदन करेंगे कि यहाँ एक मेडिकल कॉलेज देने का काम करें। साथ ही बलिया विधानसभा को मजबूत करने के लिए और यहाँ के नौजवानों को जोड़ने के लिए, रोजगार के लिए एक आईटी सेक्टर यहाँ पे हम लोग मांग करेंगे कि एक फैक्ट्री अच्छी हो, जिससे बलिया के लोग कहीं बाहर ना जाए, यहाँ काम करें। जी विकेश जी, वहीं इसी बीच अगर हम देखें तो बलिया से लगातार आपराधिक मामले जो है वो भी बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्राइम का ग्राफ भी इस वक्त बलिया में बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, क्या लगता है क्या कुछ इसका जो अहम कारण है जिसकी वजह से ये क्राइम का ग्राफ है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा है? जी, सबसे बड़ा उदाहरण यही है, कारण यही है कि हमारे जो मुखिया है, हमारे मुख्यमंत्री जी है, जी उनका पुलिस प्रशासन पे कोई लगाम ही नहीं, पुलिस प्रशासन उनके हाथों में लगता है कि ऐसे है ही नहीं है। अपराध का सबसे बड़ा कारण यही है, जहां हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में चाहे बलिया हो, चाहे गाजीपुर हो, मऊ, आप तमाम देख रहे हो कि यहाँ पे रोज हत्याएं हो रही है, लूट हो रहा है, क्राइम हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, सरकार का कहीं से यह ध्यान ही नहीं दे रहा। सरकार अपने मंत्रियों को आगे बढ़ाने में लगी हुई है, जन विकास यात्रा करने में लगी है, जन विश्वास यात्रा करने में लगी है, गंगा यात्रा करने में लगी है, जबकि गंगा यात्रा करके भी गंगा आज भी मैली है। जी, तो ये सरकार हर जगह विफल है। जिस तरह से विकेश जी आप समस्याओं की बात कर रहे हैं, वहीं अगर हम दूसरी तरफ देखें तो भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता जिस वक्त विकास के दावे कर रहे हैं, खुद अगर हम सीएम की बात करें तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी बलिया में विकास के दावों की बहुत ज्यादा उन्होंने बखान किया था, जहां पर उन्होंने कई और विकास परियोजनाओं का भी शुभारंभ करने की घोषणा की थी। ऐसे में क्या देखते हैं कि क्या ये सिर्फ एक चुनावी एजेंडा है या फिर सच में बलिया का कुछ विकास होने की अब उम्मीद होती दिखाई दे रही है? अनुष्का जी, आप तो सब जानती हैं, मैं आपसे ही पूछना चाहूंगा कि बलिया पे उन्होंने क्या काम करने का काम किया है, अगर आप आपको जहां से ये हो जानकारी हो। बलिया में एक भी काम परियोजना देने का काम नहीं किया है। बलिया में हमारे अखिलेश यादव जी ने, मैं चाहूं तो गिनाना चाहूंगा आपका अगर आदेश हो तो। हेलो, बलिया में हमारे नेता अखिलेश यादव जी ने बिहार से और बलिया को जोड़ने का काम किया है, उत्तर प्रदेश को, जो जनेश्वर मिश्रा सेतु के नाम से पुल बना हुआ है, सबसे बड़ा पुल जनेश्वर मिश्रा सेतु बना है जो कि बलिया से बिहार को जोड़ता है। यहाँ स्पोर्ट कॉलेज देने का काम किया है, ट्रामा सेंटर देने का काम किया है बलिया में, स्पोर्ट कॉलेज देने का काम किया है, मिनी स्टेडियम देने का काम किया है, और सबसे ज्यादा जो स्वर्गीय चंद्रशेखर जी के नाम से चंद्रशेखर विश्वविद्यालय देने का काम किया है, और बलिया में चारों तरफ जितनी भी सड़कें बनी हुई है वो अखिलेश यादव जी के सरकार में बनी हुई है। आप ये बलिया के अगर विकास की बात कर रहे हैं तो बताइए, अभी हमारे मुख्यमंत्री जी आए थे, बलिया का जो बलिया से बैरिया मार्ग है 31 NH, अभी भी देखेंगे जर्जर स्थिति में है, बलिया की एक सड़कें ठीक नहीं है। बलिया में सबसे ज्यादा रोजगार के लिए चाहिए, पर आप बताइए कौन सा मेडिकल कॉलेज माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है? हर जगह उन्होंने मेडिकल कॉलेज दिया लेकिन बलिया को नहीं दिया मुख्यमंत्री जी ने, तो बलिया में कहीं से विकास मैडम नहीं हुआ है। जी विकेश जी, मेरा आखिरी सवाल, जनता से आप क्या कुछ अपील करना चाहते हैं आगामी चुनाव को लेकर? जी, मैं ये अपील करना चाहूंगा कि मैं बलिया का बेटा हूं और बलिया के लोगों से ये कहूंगा, उनके मान सम्मान में कभी कमी नहीं आने दूंगा, और मुझे अगर आप लोग विधायक चुनके भेजते हैं तो निश्चित तौर पे मैं बलिया के लिए खून पसीना बहाकर एक दिन रात दिन एक करके और बलिया का विकास करने का काम करूंगा। साथ ही यहाँ रोजगार रोजगार और स्वास्थ्य और बिजली सड़कें सब ठीक करने का काम करूंगा। जी विकेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्राइम टीवी से जुड़ने के लिए और बहुत बहुत शुभकामनाएं आगामी चुनाव को लेकर। तो इस वक्त हमारे साथ विकेश सिंह सोनू समाजवादी पार्टी से भावी उम्मीदवार इस वक्त जुड़े हुए थे, जो
बलिया के 361 विधानसभा क्षेत्र से विधायक पद की दावेदारी पेश कर रहे हैं। हमारे साथ वो हमारी प्राइम चर्चा में जुड़े हुए थे, जहां पर उन्होंने आगामी चुनाव को लेकर तमाम तरह की जानकारियां साझा की, जहां पर उन्होंने इस वक्त बलिया में मौजूद जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनको भी साझा किया। वहीं अगर वो विधायक पद पर आसीन होते हैं तो क्या कुछ उनकी प्राथमिकताएं होने वाली है, इसको लेकर भी उन्होंने अपनी जो बातें हैं वो भी हमारे साथ साझा की। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम प्राइम चर्चा में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।